हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा न्यू चैलेंज आर्केडी स्टार्ट हो चुका है। हम ब्लू चैलेंज की सेकंड लैब को कर रहे हैं, डेप्लॉय माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर टू कंप्यूट इंजन। तो इसका स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कुछ नहीं करना है इस टास्क में, हमें सिर्फ दो टास्क करने हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट कॉपी द पासवर्ड। इसको आई अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक बार अपनी आईडीज वगैरह चेक कर लेना कि आपकी जो है पर्सनल आईडी ओपन ना हुई हो, कई बार हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे कंप्यूट इंजन यहाँ क्रिएट इंस्टांस करेंगे। मैं आपको यहीं पे ही बहुत जल्दी से बताता हूँ क्योंकि इस लैब में हमें कुछ करना नहीं है इतना खास, तो हम इसको आराम से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, टास्क वन पे जाते हैं। टास्क वन से हमें क्या करना है, यहाँ से नेम कॉपी कर लेते हैं। बस हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, कर दिया। ये यूएस सेंटर वन पहले से ही है, बस हमें इसका ध्यान रखना है कि इसे एफ करना है। एफ कर दिया। अब नीचे आना है बूट डिस्क पे, इसको थोड़ा चेंज करना है। अब हमें इसमें चेंज क्या करना है, फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट सीक्वल सर्वर ऑन विंडोज सर्वर। तो हम यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें सीक्वल सर्वर ऑन विंडोज सर्वर करना है, और वर्ज़न एक बार चेक कर लेना है क्योंकि ऐसा आपको बहुत सारे सेम मिलेंगे। तो एक बार वर्ज़न को ध्यान से कर लेना। जैसे कि आप एंटरप्राइज देख सकते हैं, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए SQL सर्वर 2016 वेब ऑन विंडोज सर्वर। ये रहा वेब ऑन विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर, इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ नीचे आते हैं, इसको हम क्रिएट कर लेंगे। ये सेंट्रल वन देखकर देख लेता हूँ, ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट, मैं इस लैब को पहले भी कर चुका हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सिंपली जस्ट क्रिएट करना है। ये आप लोग क्रिएट करेंगे, आपका इंस्टांस बस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आपका इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है आपको, अपने इंस्टांस में जाना है, इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेना। जब आपका इंस्टांस इस तरह क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली जो है सेट विंडोज़ पासवर्ड पे करना है। सेट विंडोज़ पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, वो बस एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को है कि वहाँ से आप आईडी, आपको एक आईडी मिल जाएगी आपकी, जो कि आपका यूज़र नेम है वहाँ, और देन आप उसको सेट जब करेंगे तो आपको पासवर्ड मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस उसको देखना है, जब आगे यूज़ पड़ेगा तो हम उसको करेंगे। और फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना था, उसके बाद हम इसे चेक माय प्रोग्रेस करा लेंगे, हमारी लैब ख़त्म हो जाएगी। बाकी के टास्क में कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इस लैब को हम एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी आगे की लैब्स के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए सी यू।